बाकी पूरा वर्कशॉप जो है खाली है। ये देखो ये स्विच से अप डाउन होगा, ये आप ये डाउन, कुछ भी नहीं हो रहा। अरे सेरा काट चले भाई, ये ड्रिल का सेरा आज गेंद। जो भी अभी कीर्तन चल रहा है उधर कहीं पे हो रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सो अभी टाइम है सुबह के 9:30, मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरा नहाना हो चुका है कंप्लीट, मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया है। अभी जल्दी पहुँचना है आज कॉलेज में, क्योंकि वेटर के सैन ने एक नया असाइनमेंट दिया है करने के लिए, तो वो जाके कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारे सैन ने भी एक नया जॉब दिया है करने के लिए, वो भी कंप्लीट करना है। तो आज दो काम है, जल्दी इसीलिए पहुँचना पड़ेगा। तो मेरा बैग तो रेडी हो चुका है, अभी मम्मी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मम्मी टिफिन लेके आएंगी और मैं निकल जाऊँगा। और बाहर देखो धूप तो काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल सुबह सुबह मंदिर में पूजा भी कंप्लीट हो गया है। जय श्री कृष्ण। मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ नीचे। नहीं, मम्मी भी आ गई हैं टिफिन लेके। देखो बाहर धूप देखो कितना ज़्यादा है, और मैं अभी कैप भी नहीं पहन सकता और स्कार्फ भी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं हैं, थोड़ी देर पहले ही नहाया था ना। और मम्मी ऊपर से वहाँ से देख रही हैं। तो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ चाचा जी के साथ अंडाल मोड़ में, फिर अंडाल मोड़ से जाने वाला हूँ रौनिक के साथ कॉलेज। तो कॉलेज में मिलता है। जितना जल्दी आ गया वर्कशॉप में, देखो टोटल वर्कशॉप खाली है। शंकर आया हुआ है, यहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बाकी पूरा वर्कशॉप जो है खाली है। मैसेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, लेकिन उनका उनके सर जो है एग्ज़ाम लेने वाले हैं, इसलिए कोई है नहीं। तो हम लोगों का ड्रिल का काम है, तो वही करता हूँ। चलो की बोलो है तो इसको हमें ड्रिल करना। कॉलेज में एक ऐसा मशीन नहीं है जो सही से काम कर रहा है टोटली, इसमें भी हाइड्रोलिक का दिक्कत है। एक बड़ा सा 12.5 ही होगा शायद, 1/2 इंच का एक ड्रिल लिया था मशीनिस्ट के सर से, तो वो भी सही से लग नहीं रहा है हाइड्रोलिक की वजह से। हाँ वही हाइट है चले आवे। ये देखो बड़ा, वो जो बड़ा सा ड्रिल था वो नीचे जा रहा था तो यहाँ पर अटक जा रहा था। ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है अप डाउन जिससे होता है वो होता नहीं है, वो भी ख़राब हो गया यहाँ से। ये देखो ये स्विच से अप डाउन होगा, ये आप ये डाउन, कुछ भी नहीं हो रहा। अबे ये छोटे से ड्रिल से ही काम करना पड़ेगा। और यही वाला जॉब वेल्डर के सर ने दिया है, जो कि कंप्लीट करके देना है, उसके बाद हमारा जॉब करना है। चलो चलो कौर 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 एटा देखो जल्दी कौर तब तो देखा जाए चल ही दे। अरे सेरा काट चले भाई, ये ड्रिल का सेरा आज गेंद। दारुण ग्राइंड है, कटिंग देखो कितना मस्त हो रहा है, चीप निकल रहा है कैसे एकदम कॉनिकली शेप में। इस टाइप का चिप निकलता है जब कटिंग के टाइम, तब पता चल जाता है कि 100% सही करेंगे। थोड़े से प्रेशर में ही काम हो जा रहा है। ये ड्रिल सच में बढ़िया है, एटा ये इसको चलाना पड़ेगा इसके बाद। 22 mm का ड्रिल और इसको ग्राइंड करना है थोड़ा सा, ये करके लेके आता हूँ। अभी देखो फाइनल ड्रिल स्टार्ट हो चुका है। ये जो मेटल है ये हैमर बनेगा, इसके लिए मिडिल पोर्शन वाला ड्रिल करने के लिए दिया है, और यही फाइनल ड्रिल है 22 mm का। ये हो जाएगा तो काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ड्रिल सही से चल नहीं रहा है, बीच बीच में फंस रहा है चिप के कारण से, पानी देते देते काम करना पड़ रहा है। ये देखो फंस गया फिर से, ये फिर से चिप क्लियर करके उसके बाद चलाना पड़ेगा। अंदर काफ़ी सारा चिप फंस गया है ना। ये हो गया कंप्लीट, जो हमको वेल्डर के सर ने दिया था करने के लिए। तो ये एक हैमर बनेगा, और रोनित कम से कम 2 घंटा काम किया उसके ऊपर, उसके बाद एग्जॉस्टेड होकर वो चला गया, उसके बाद 10 मिनट में ही हो गया काम। मैं तो चारों तरफ बिजी था, इधर उधर काम कर रहा था, इधर भी उधर भी, रोनित काफ़ी ज़्यादा काम किया इसके ऊपर। अभी रोनित कहाँ है पता नहीं है, उसको दिखाता हूँ। चलो चलो उससे पहले सारे चीज़ें यहाँ पे घुसा देता हूँ। कल आज के लिए वर्कशॉप के काम ख़त्म हो गया प्रैक्टिकल, अभी थ्योरी का क्लास है 2:30 बजे से। स्कार्फ चाहिए जो कि रोनित बांट रहा है सब में, जितने भी हैं अभी तो हम लोग 3 ही हैं। ए भाई आर एक टू दे भाई, आर एक टू दे भाई, या तो गाँव में भाई नहीं। चल 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 अभी हम लोग निकलते हैं, लंच करने चलते हैं, फिर काम है। हाँ जीप दिए एटा चाट ले, बस तोरा एक दिन छुट्टी पे जाइए, एटा जीप दिए चाट ले। देखो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हैं, बाकी सेकेंड ईयर भी है। अभी चलते हैं लंच करने के लिए, पहले हाथ धो लेता हूँ, हाथ तो गंदे हो चुके हैं। फिर लंच कर लिया है, अभी मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब स्मार्ट क्लासरूम में हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद सर क्लास लेने वाले हैं, 2:30 बजे या फिर 3 बजे से सर क्लास लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम है। ये देखो सर जा रहे हैं, ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सर हैं, जो क्लास लेते हैं हर ट्यूसडे को एक क्लास रहता है। यहाँ पे कहीं पे कीर्तन हो रहा है, साउंड तो आ रहा है यहाँ आस पास से ही कहीं पे कीर्तन हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे सामने जो SBI है ना, वहाँ पे कस्टमर डिपॉजिट मशीन जो है CDM जो है,
CDM में मुझे जाना है, वो देखो वहाँ पे है वो, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं है। चलो अभी ये काम ख़त्म करता हूँ फिर चलता हूँ। उधर हो रहा है, उस साइड से साउंड आ रहा है, मतलब उधर कहीं पे हो रहा है, और जो भी अभी कीर्तन चल रहा है उधर कहीं पे हो रहा है। इतनी गर्मी के टाइम पे CDM में तो अंदर जो मज़ा है ना, वहाँ पे 27 डिग्री पे 3 AC चल रहा था, तो अंदर जितना मज़ा था 2 मिनट के बाद बाहर आके उतना ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। अंदर में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है AC चलने की वजह से, बाहर गर्मी इसलिए ज़्यादा लग रहा है। तो अभी चलता हूँ हमारे स्मार्ट क्लासरूम में, वहीं जाके बैठता हूँ थोड़ी देर। थ्योरी का क्लास हो चुका है, सारे निकल गए, देखो बाय बाय करते हुए निकल गए, सारे निकल रहे हैं, मैं अभी निकलता हूँ। कौशिक टॉपर, दो टॉपर एक साथ एक ही फ्रेम में देख लो ये। चलो ए भाई 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 बंदो भाई 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 एरकम बोल भाई भाई सर। चलो निकलते हैं ए रोनित भाई भाई भाई। चलो हम लोग निकलते हैं अभी, अभी अंडल मोड़ जाना है और आज वेदर मस्त है, काफ़ी मस्त है, और हमारा छुट्टी हो गया थोड़ा सा जल्दी, अभी बाकी सारे ट्रेड तो छुट्टी हुआ नहीं है, तो निकलते हैं अभी। वहाँ पे रोनित का बाइक रखा हुआ है उस साइड में। फिलहाल अंडल मोड़ में पहुँच चुका हूँ और वेदर देखो क्या मस्त हो गया है आज। GT रोड से आते आते इतना मस्त व्यू दिख रहा था ना, पास से होते हुए प्लेन गुजरा, क्योंकि हमारे पास में ही अंडाल मोड़ के पास में ही काजीपुर एयरपोर्ट है ना, तो एकदम पास से होते हुए प्लेन जा रहा था, लेकिन मैं तो बाइक चला के आ रहा था, बैठा हुआ था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं पाया। देखो वेदर देखो क्या मस्त हो गया, बादल क्या लग रहे सच में, तो ये ऐसा मस्त वेदर है, नज़ारों का फुल प्रूफ, मज़ेदार व्यू लेते हुए पैदल पैदल चलता हूँ सीधा घर। इतना मज़ेदार वेदर है आज, बादल इतने मस्त लग रहे हैं, घर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बादल देखते देखते नेचर का व्यू देखते देखते घर पहुँच जाऊँगा। फिलहाल आज के लिए करता हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा पैसा देखो तो मुझे कहा।